संजय सिंह के जेल जाने के बाद पहली बार केजरीवाल ने दी गुड न्यूज। जी हां, आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का बड़ा फैसला। दिल्ली में बिजली से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए और बिजली से करंट लगने की वजह से पीड़ित हुए व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए दिल्ली सरकार ने मंजूरी दे दी है। दिल्ली में बिजली से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने और पीड़ितों को मदद पहुंचाने के लिए जल्द नियम तैयार होंगे। इन नियमों को दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन बनाएगा। बता दें कि इससे पहले दिल्ली में करंट से होने वाली दुर्घटनाओं को लेकर कोई भी नियम नहीं था। करंट लगने से अगर कोई व्यक्ति घायल हो जाता है या इस दौरान किसी की मौत भी हो जाती है तो बिजली विभाग की कंपनियां पीड़ित या उसके परिवार को वित्तीय सहायता देने के लिए बाध्य नहीं होती थी। ऐसे में करंट लगने से पीड़ित परिवारों को कोई आर्थिक मदद नहीं मिल पाती थी। इसे देखते हुए बिजली विभाग ने एक प्रस्ताव तैयार किया। यदि अब कोई दुर्घटना होती है तो बिजली कंपनियां पीड़ितों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए बाध्य होंगी। मुख्यमंत्री से मंजूरी मिलने के बाद अब प्रस्ताव को मंजूरी के लिए उपराज्यपाल के पास भेजा जाएगा। दिल्ली के विद्युत विभाग के प्रस्ताव को विद्युत मंत्री आतिशी ने मुख्यमंत्री को प्रस्तुत किया था। इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद दिल्ली सरकार DRC को इस संबंध में नियम बनाने के लिए आदेश जारी करेगी। दरअसल इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के अंतर्गत दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन है। DRC ही दिल्ली में स्थित सभी डिस्कॉम को रेगुलेट करता है। कुछ साल पहले NHRC में एक मामला हुआ था। इस घटना में कुछ लोगों को करंट लग गया था और उनको कोई भी आर्थिक मदद नहीं मिली थी। इस दौरान NHRC ने दिल्ली सरकार से इस संबंध में कानून बनाने का अनुरोध किया था जिससे पीड़ितों को मदद मिल सके। फिलहाल इस खबर को देखकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। न्यूज डेस्क से प्रिया।